Hello guys, this is Mansi from evithyati.in. Now we are starting with the fifth unit of our literature reading. The name of the chapter is Patol Babu, the film star, and it is written by Satyajit Rai. So यहाँ पे basically एक character है जिसका actual name है सीता रकांतो राय, but वो ज्यादा famous है या हम बोल सकते हैं उनका nickname है पटोल बाबू. Okay, अब ये जो character है इसको acting का बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा इन्हें एक्टिंग करने का शौक है. तो इनका जो पास्ट है, प्रेजेंट में क्या होता है, ये सब स्टोरी में होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टोरी बिगिन होती है, ये जो पटोल बाबू हैं, ये कहीं जा रहे होते हैं तो ये अपनी शॉपिंग का जो बैग है वो टांग के खड़े ही होते हैं. इतने में एक करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नेम है निशिकांतो घोष, जो कि इनकी फ्रेंड है और इनके ही घर के बहुत पास रहते हैं. और इनका बताया इनका जो नेचर है वो बहुत ही काइंड नेचर है, लोगों की हेल्प करने वाला नेचर है. तो वो उनके डोर पे आते हैं और आवाज दे के पूछते हैं, पटोल बाबू आप घर पे हो क्या? तो पटोल बाबू बोलते हैं हाँ घर ही हूँ, अभी आता हूँ. सो वो बाहर जाते हैं एंड देन इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है. उनसे पूछते हैं पटोल बाबू कि आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? तो निशिकांत जो बताते हैं कि मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने एक साली से मिला. साला होता है सिस्टर का जो हस्बैंड होता है. सो उनसे मिला और वो फिल्म बिजनेस में है एंड वो एक मूवी की शूटिंग कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक करेक्टर चाहिए जो कि गंजा हो, अपनी 50s में हो और थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड हो. जैसे ही उन्होंने मुझे ये सब बताया तो मुझे आपका ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपका नाम रिकमेंड कर दूं. आई होप आपको आप इस जो अपॉर्चुनिटी है उसको मना नहीं करोगे. अब पटोल बाबू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं सुन के और वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं कर लूंगा, तुम बताओ किससे बात करनी है. तो निशिकांत तो बताते हैं कि जो उनके नोन है उनका नेम नरेश दत्त है और वो कल 10:30 बजे आएंगे और आप उनसे बात कर लेना एंड आप जो भी फाइनल होगा उन्हीं के साथ ही फाइनल कर लेना. पटोल बाबू उनको हाँ बोल के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और देन अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं. तो पटोल बाबू सोचते हैं कि जब वो पहले एक्टिंग वगैरह करते थे सो बेसिकली उनका जो नेबरहुड में एक क्लब था और उसके अंदर वो स्टेज शोज वगैरह करते थे और वो इतने ज्यादा फेमस थे कि लोग स्पेशल पैसे खर्च के आते थे उनका शो देखने के लिए, टिकट्स परचेज करते थे सिर्फ उनके लिए. सो उसके बाद वो बताते हैं कि वो एक अच्छी रेलवे कंपनी में जॉब करते थे बट उन्हें एक और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अच्छा ऑफर आता है फ्रॉम द कंपनी हुडसन एंड किम्बरले और वो कोलकाता में है. सो उनको एक क्लर्क की पोजीशन की जॉब आती है और सैलरी उसमें काफी अच्छी होती है. तो वो अपनी वाइफ के साथ कलकत्ता शिफ्ट हो जाते हैं. देन बहुत साल उन्होंने वो जॉब करी, वो जॉब बहुत अच्छी थी एंड देन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे भी एक क्लब ओपन करूं. बट इससे पहले कि वो कुछ कर सकते वहां पे वॉर हो गया और वॉर की वजह से उनकी जो जॉब थी 9 ईयर्स जहां पे उन्होंने जॉब करी थी वो जॉब अब चली गई. अब जब वो जॉब चली गई तो उनको पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काम किए, जैसे कि उन्होंने एक वैरायटी स्टोर ओपन किया बट देन अगेन वो इतना चला नहीं तो 5 साल बाद उन्हें वो भी शट डाउन करना पड़ा. देन उन्होंने बंगाली फर्म में वर्क किया जहां का जो मैनेजर था उसका नेचर या जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा बेकार था, इसलिए उन्हें वो कंपनी भी छोड़नी पड़ी. और अब उन्हें 10 साल हो गए वो एक इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स पर्सन की जॉब कर रहे हैं. सो वो अपना ये सब बातें सोच रहे होते हैं और साथ में ही उन्हें लगता है कि शायद ये जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है अब ये कुछ नया कर दे. और ये सब सोचते सोचते वो नरेश दत्त का वेट कर रहे होते हैं. अब जो निशिकांतो है उन्होंने उनको बताया था कि वो 10:30 बजे आएंगे बट 12:30 बज गए और वहां पे कोई नहीं आया. तो पटोल बाबू को लगा कि शायद नहीं आएंगे तो वो उठ के जाने ही लगे थे. उतने में ही डोर पे नॉक होते हैं और वो बहुत एक्साइटेड होके जाते हैं. वहां पे नरेश दत्त होते हैं तो वो उनको अंदर लेके आते हैं, उनसे बातें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि आपको लगता है कि मैं ये रोल कर पाऊंगा? तो आगे से नरेश दत्त बोलते हैं हाँ हाँ तुम इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, एक काम करना कल तुम सेट पे आ जाना. तो पटोल बाबू बोलते हैं कल तो संडे है. तो उन्होंने बोला हाँ हमारे जो फिल्म है उसकी शूटिंग कल ही है तो तुम कल मॉर्निंग में आ जाना, 8:30 बजे का वो टाइम देते हैं. तो आगे से पटोल बाबू अपने रोल के बारे में पूछते हैं कि मेरा रोल क्या होगा?
तो नरेश दा तुम्हें बताते हैं तुम्हें एक पेडेस्ट्रियन का रोल करना है। पेडेस्ट्रियन होता है जो ऐसे ही बिना किसी मकसद के वॉक कर रहा है या रोड पे या गली में कहीं वॉक कर रहे, उसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो वो बताते हैं तुम एक शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन का रोल करोगे। तो आगे से अब वो जो पेट्रोल बाबू है वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या सीन होगा ये वो। तो उन्होंने कहा कल तुम सेट पे आ जाओ, वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा, बट तुम्हें स्टूडियो नहीं आना, डायरेक्ट लोकेशन पे आना है। और वो उनको उसका लोकेशन का एड्रेस दे देते हैं। फिर जाते जाते नरेश दत्त उनसे पूछते हैं तुम्हारे पास कोई जैकेट होगी, तो वो बोलते हैं जैकेट कैसी। उन्होंने बोला जो नेक तक बंद हो जाए ऐसी कोई जैकेट हो तुम्हारे पास। तो पटोल बाबू बोलते हैं हाँ मेरे पास है तो सही, बट वो वुलन जैकेट है। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें जो सीन शूट करना है वो भी विंटर का है, तो तुम वो अपने साथ वो मतलब पहन के कल आ जाना। तो उसके बाद जब वो चले जाते हैं नरेश दत्त, पटोल बाबू बहुत एक्साइटेड होते हैं। और फिर ये सारी कन्वर्सेशन जो भी हुई थी सब बात जाके अपनी वाइफ को बताते हैं कि मुझे ऐसे एक रोल मिल रहा है और मुझे कल जाना है। अब वो उसके बारे में बताते हैं कि रोल मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, बट कम से कम स्टार्टिंग तो है। पहले भी तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे एक सोल्जर का रोल मिला था जो कि डेड सोल्जर था, मुझे सिर्फ स्टेज पे लेटे रहना था, बट उसके बाद देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया था। तो हो सकता है ये भी एक न्यू बिगनिंग हो। तो उनकी वाइफ जो थी ज्यादा उनको सपोर्ट नहीं करती, ओवर एक्साइटेड और सपने देखना स्टार्ट मत कर दो, पहले जाके देखना। वो आगे से वो पटोल बाबू कहते हैं तुम जाओ और मेरे लिए चाय लेके आओ और रात को मुझे जिंजर दे देना याद से, बिकॉज कल मुझे डायलॉग भी बोलने होंगे तो तुम मेरी आवाज ठीक होनी चाहिए। सो उसके बाद यहाँ पे ये सीन क्लोज हो जाता है। अगले दिन पटोल बाबू जहाँ पे लोकेशन थी वहां पहुंचते हैं। सो आगे देखते हैं क्या होता है। So now coming to the next part of the story. अब यहाँ पे क्या होता है, जो पटोल बाबू हैं वो नेक्स्ट डे वहाँ पे जो उनको लोकेशन दी गई होती है वहां पहुंच जाते हैं। और वो देखते हैं वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है और वो किसी को भी वहां पे पहचानते नहीं है, तो वो सिर्फ ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें नरेश दत्त दिख जाए क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं को जानते हैं। सो वो बहुत जगह आसपास देख रहे होते हैं। इतने में पीछे से आवाज आती है अतुल बाबू, और जब वो पलट के देखते हैं तो वो नरेश दत्त ने उनको बुलाया होता है, बट उनका नेम जो है वो गलत लिया होता। तो वो उनको अपना नाम बताते हैं और बोलते हैं कि वैसे मेरा निकनेम पटोल बाबू है। तो डायरेक्ट जो नरेश दत्त है वो इतना ध्यान नहीं देता, वो कहता है हाँ हाँ आप बड़े पंचुअल हो, टाइम पे आ गए बिल्कुल। तो वो आगे से अपने आप को फिर बताते हैं कि हाँ मैं बहुत पंचुअल हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में ये भी कर रहा हूँ। तो नरेश दत्त फिर से उनकी बात काट देता है और बोलता है एक काम करो तुम वहां जाके खड़े हो जाओ और अभी तुम्हारा जब रोल आएगा जो होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो जाके वहां पे एक पेड़ के पास जाके पटोल बाबू खड़े हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि वो फर्स्ट टाइम वो सब शूटिंग का जो एरिया होता है वहां पे वो फर्स्ट टाइम लाइव शूटिंग देख रहे होते हैं। तो वो उन लोगों को देखते हैं जो कैमरा पकड़ के खड़े हैं, इतने सारे क्राउड है वहां पे, तो वो सोचते हैं कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं एक मूवी बनाने के लिए, कितने सारे बिहाइंड द कैमरा जने हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस रोल के लिए। और ये सब वो सोचता है और एकदम से उसको ध्यान आता है कि मैंने अपने डायलॉग्स तो पूछे ही नहीं। तो वो सोचते हैं मैं जाके जल्दी से अपने डायलॉग्स पूछ के आता हूँ ताकि मैं उसकी प्रैक्टिस कर सकूं। तो वो जैसे ही जाने लगता है उतने में एक आवाज आती है साइलेंस, और वहां पे वो आवाज डायरेक्टर की होती है और वो बताता है कि अब हम शूट स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए जितना भी क्राउड है यहाँ पे शोर मत मचाओ। तो वो रुक जाता है और देन वहां पे स्टार्ट होता है, कैमरा एक्शन करता है डायरेक्टर और एक गाड़ी आती है वो गेट की जहाँ पे जो बिल्डिंग है उसकी एंट्रेंस पे आके गाड़ी रुकती है। पीछे से एक आदमी एक यंग एज यंग मैन बाहर आता है और वो तीन चार स्टेप्स चलता है, उतने में डायरेक्टर कट बोल देता है और फिर से वो क्राउड का शोर आना शुरू हो जाता है। पटोल बाबू वहीं खड़ा होता है, पीछे से एक स्ट्रेंजर आता है और उनसे बोलता है तुम जानते हो इसको। तो उसके दिमाग में आता है कि नहीं, क्योंकि वो जो हमारा पटोल बाबू है वो इतनी मूवीज वगैरह नहीं देखते, तो वो उसको बोलते हैं नहीं मैं तो नहीं जानता। तो कहते हैं अरे तुम इनको नहीं जानते, ये बहुत ही यंग टैलेंट है, इनका नाम चंचल कुमार है और ये अभी इस टाइम पे चार लीड रोल्स कर रहे हैं चार अलग अलग मूवीज में। तो वो बोलते हैं अच्छा। उतने में जो पटोल बाबू है उनको ध्यान आता है कि उन्होंने अभी तक डायरेक्टर तक का नाम नहीं पूछा, उन्होंने इतने एक्साइटेड थे अपने रोल के लिए कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि ये फिल्म कौन डायरेक्ट कर रहा है। तो वो स्ट्रेंजर से पूछ लेते हैं इस फिल्म का
डायरेक्टर कौन है, तो स्ट्रेंजर फिर से बड़ा शॉक होता है, तुम्हें यही नहीं पता इसका डायरेक्टर कौन है, तो वो उसको बताते हैं इसका डायरेक्टर बैरन मोलिक है, तो वो भी काफी फेमस डायरेक्टर है। उतने में वो डिस्कशन चल रहा होता है, वहां पे नरेश दत्त आता है और वो पटोल बाबू को चाय पकड़ाते हैं कि ये लो तुम चाय पियो, अभी कुछ ही सीन बाद तुम्हारा सीन शुरू होगा। तो वो उनसे पूछता है पटोल बाबू कि आपने मुझे मेरे डायलॉग्स नहीं बताए, तो वो बोलते हैं आओ मेरे साथ आओ मैं तुम्हें डायलॉग्स बताता हूँ। और वहां पे एक बॉय होता है सुसांगो नाम का, तो नरेश दत्त उनको बुलाते हैं और कहते हैं इनको इनके डायलॉग्स एक पेपर पे लिख के दे दो। तो वो सुसांगो जाता है, एक पेपर लेता है और वहां पे एक गर्ल होती है ज्योति, उसको बोलते हैं एक मिनट जरा पेन दो और कुछ ना कुछ जरा सा लिख के उसको पटोल बाबू को पकड़ा देते हैं। जब पटोल बाबू उस लेटर को खोल के देखते हैं तो उसपे सिर्फ एक ही वर्ड लिखा होता है विच इज ओ, तो वो सोचते हैं कि मेरे साथ ही कोई मजाक कर रहे हैं क्या, तो वो बड़े अपसेट से हो जाते हैं। तो सुसांगो उनको देख के सोचता है कि क्या हुआ इतना परेशान क्यों हो गए, तो वो बोलते हैं क्या मेरा बस इतना ही डायलॉग है, तो वो बोलते हैं कि आप तो बहुत लकी हो कि इतने बड़े डायरेक्टर की मूवी में आपको कुछ डायलॉग बोलने को मिल रहा है, वरना यहाँ पे तो सिर्फ लोगों की शक्ल ही आती है, वो उसमें इतना ज्यादा खुश हो जाते हो, आप इस रोल को इतना छोटा सा मत समझो, आप अगर कोई कुछ बोल रहे हो आप पे कैमरा आ रहे तो वो बहुत बड़ी बात है। उतने में ज्योति आती है और वो बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ आपको सीन समझा देती हूँ कि सीन में क्या होगा, तो वो बताती है सीन में जो ये चंचल कुमार है ये एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव है और इनको न्यूज मिलेगी कि इनकी कंपनी में चोरी हो गई है, तो वो आप एंट्रेंस तक जाते हैं रोड की ऑपोजिट साइड से, वहां से आप आ रहे हैं और आप लोगों की टक्कर होती है और जब आपकी टक्कर होगी तो आपको ये बोलना है ओ करके एंड देन वहां पे सीन कट हो जाएगा आपका, यही सीन है। अब वो जो पटोल बाबू सब वही दोबारा अपने काम में लग जाते हैं, पटोल बाबू फिर वही शेड में आके खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं इतनी दूर से आया और मेरा इतना छोटा सा रोल है, इतना छोटा सा मेरा डायलॉग है। वो कहता है डायलॉग भी क्या, ये तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, मैं बेकार में इतनी दूर से आया मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे नहीं करना ये इतना छोटा सा रोल और ये बेकार सा, बेकार में मैंने अपना संडे भी वेस्ट किया। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे याद आता है कि एक बार उसे किसी ने कहा था कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता और तुम्हें कोई भी रोल ऑफर हो तो तुम उसे मना मत करना, बिकॉज एक फिल्म में छोटे छोटे कैरेक्टर्स छोटे छोटे रोल्स ये पूरी फिल्म को बनाते हैं। और ये बात उनको पकराशी ने बताया था जो कि उनके मेंटर थे। मेंटर होता है जो आपसे थोड़े बड़े होते हैं और आपको बहुत अच्छी वैल्यूएबल चीजें बताते हैं, जिसको हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो उनकी बात को याद करके वो सोचते हैं कि नहीं चाहे जैसा भी छोटा सा रोल हो मैं ये करूंगा। और फिर वो जाते हैं डायरेक्टर के पास और उनसे पूछते हैं कि मेरे रोल में अभी कितना टाइम है, तो डायरेक्टर बोलता है तुम थोड़ी पेशेंस रखो, तुम्हारा रोल अभी आधे घंटे बाद होगा, उस सीन में हम तुमको बुला लेंगे। तो वो जाके फिर से उसी शेड में खड़ा हो जाता है और वो आधे घंटे तक रिहर्सल करता रहता है अपने डायलॉग की जो की है ओ। तो वो उसको अलग अलग वे में बोल के देखता है ओ, कभी एकदम एक्साइटमेंट के साथ बोलता है ओ, वो सैड होके बोलेगा, तो वो इसी वर्ड को अलग अलग तरह से रिहर्स कर रहा है। वो ये भी सोचता है कि फिजिकली जब वो कोलाइड करेगा तो उसको कैसे बिहेव करना है, तो वो आधे घंटे तक पूरी रिहर्सल करता है कि उसे कैसे करना है। और एग्जैक्ट आधे घंटे बाद डायरेक्टर उन्हें बुला लेता है कि तुम आ जाओ अब तुम्हारा सीन शूट होगा। तो वो उन डायरेक्टर को बोलते हैं कि हम एक बार इस सीन की रिहर्सल कर लेते हैं, तो डायरेक्टर कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी ये सन के आगे क्लाउड आ जाएगा और मुझे सन में ही शूट करना है, तो जल्दी से तुम तैयार हो जाओ अपनी सीन के लिए और हम अब इसको पहले शूट करेंगे। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मेरे एक सजेशन और है, तो पटोल बाबू सजेस्ट करते हैं क्यों ना ऐसा हो कि मैं न्यूज़पेपर पकड़ के आ रहा हूँ और फिर हम लोग को लाइट करें, तो डायरेक्टर मान जाते हैं कि हाँ हाँ इनको एक न्यूज़पेपर पकड़ा दो, ऐसे कर लेते हैं। अब सीन स्टार्ट होने लगता है तो डायरेक्टर एक मिनट के लिए रुक के बोलते हैं एक काम करो इनको मुस्टैशेस लगा दो, तो जो वहां पे मेकअप आर्टिस्ट है वो उनसे अलग अलग मुस्टैशेस के नाम पूछता है कि कौन सी मुस्टैश लगाए इनकी, तो डायरेक्टर कहते हैं बटरफ्लाई मुस्टैश लगा दो वो इनपे सूट करेगी, तो वो आके मेकअप आर्टिस्ट वो गम के साथ उनके फेस पे मुस्टैशेस लगा देता है। अब वो क्या करता है वो उनसे पूछता है कि ये निकल तो नहीं आएगी जब वो झटका लगेगा, तो कहते हैं नहीं नहीं चिंता मत करो ये नहीं निकलेगी। उसके बाद डायरेक्टर पटोल बाबू को फिर से सीन समझाते हैं कि ये बिल्डिंग के सामने एंट्रेंस पे आपको कोलाइड करना है, आप इधर से आओगे और जो चंचल कुमार है वो इस साइड से आएंगे और जैसे ही कोलाइड होगा तो चंचल आपको इग्नोर करके चला जाएगा, आपको एक पेनफुल
एक्सप्रेशन देखना है. तो वो कहते हैं ठीक है, अब जब वो वहां पे मेन जहाँ पे स्पॉट है जहां से उनको स्टार्ट करना है वहां पे खड़े होते हैं, तो वो अगेन अपनी माइंड में पूरा रिहर्स कर रहे हैं कि मेरे को यहाँ से उस मेन स्पॉट तक पहुंचने में 5 स्टेप्स लगेंगे और वहां पे चंचल को आने में यहाँ तक 4 स्टेप्स लगेंगे. तो ये पूरा अपने माइंड में कैलकुलेट करता है और सोचता है कि मुझे थोड़ा सा तेज वॉक करना पड़ेगा तभी मैं उस सेंटर पॉइंट पे जाके कोलाइड करूंगा. सो ऐसे ही होता है, सीन स्टार्ट होता है, जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलता है तो वो वॉक करना स्टार्ट करता है और एकदम से इससे पहले कि वो कुछ सोच सकता है उसके फोरहेड पे बैंग होता है और एक सेकंड के लिए उसके लिए सब कुछ ब्लैंक आउट हो जाता है और फिर वो अपना एक्सप्रेशन देता है जो उसे देना होता है और उसके बाद खड़े होके बड़ा एक्साइटेड होके डायरेक्टर के पास आता है कि ये सीन कैसा रहा. तो डायरेक्टर बोलता है बिल्कुल परफेक्ट था, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये वो करके वो बहुत खुश हो जाता है और साइड पे जाके फिर से अपनी उसी शेड वाले एरिया में उसे कहते हैं तुम वेट करो मैं तुम्हारी पेमेंट लेके आता हूँ. अब वो वहां पे पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्टरी फील करता है कि और वो साथ में सोचता है कि मैंने इतना काम किया बट असली जो सेटिस्फेक्शन है वो मुझे इस काम को करने के लिए. तो वो सोचने लगता है कि ये मुझे क्या पेमेंट देंगे, उस पेमेंट से क्या होगा, माना मुझे पैसों की जरूरत है बट इस टाइम जो मुझे सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है वो किसी भी मनी अमाउंट से बहुत ज्यादा बड़ा है. और वो ये सोच के बिना पेमेंट लिए वहां से चला जाता है. नरेश जब आके देखता है कि अरे बड़ा अजीब आदमी है, पेमेंट भी नहीं ली और चला गया और उसके बाद नरेश अपने काम में लग जाता है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी. सो नाउ अभी जो आपने देखा अब स्टोरी के सारी सीन्स आपको पता चल गए स्टोरी में क्या क्या हुआ. अब इसके बेस जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो बट स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज लीव इट इन द कमेंट्स बिलो. आई विल कम अगेन विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.